नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके एग्जांपल्स का सॉल्यूशन। तो आज के सेशन का हमारा एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग शुरू करें, इससे पहले आप लोग अपने साथ साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट, आपकी नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर सब लेके रेडी हो जाओ और मेरे साथ साथ इस पूरे एग्जाम्पल को समझ के अपनी नोटबुक में सॉल्यूशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। देखो दोस्तों, यहां पे एग्जाम्पल में क्या कहा है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4। तो ये 6:4 इनका P&L रेशियो हो गया। अब देखो, आप 6:4 भी रख सकते हैं या फिर आप इसको ध्यान से देखो तो इसको 2 से कॉमनली डिवाइड भी कर सकते हो, तो आप इसको 3:2 भी कंसीडर कर सकते हो। या तो 6:4 रखो या तो 3:2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st March 2017 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर एन्युअल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। और ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जिसमें हमको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और फिर हमें फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग आपके पैम्पलेट में पेंसिल से ये जो ट्रायल बैलेंस है उसकी हर एक आइटम का बाइफर्केशन करेंगे। तो चलिए पेंसिल और पैम्पलेट हाथ में ले लीजिए, मैं हर एक चीज समझाता जाता हूं ट्रायल बैलेंस की और आप लोग मेरे साथ साथ इसका बाइफर्केशन अपनी बुक में लिखोगे। देखो सबसे पहले कहा है ड्रॉइंग, तो देखो ड्रॉइंग राम और श्याम दोनों का कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे रहेगा, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कैपिटल डेबिट। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स जो कि हमारी असेट है, तो यहां पे हमें लिखना होगा असेट्स, ए लिखूंगा जिसका मतलब होगा असेट्स। देन स्टॉक और ब्रैकेट में डेट लिखिए 1st April 2016, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में से माइनस होता है, तो यहां पे लिखोगे ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस सेल्स। देन कैश बैलेंस, ये भी हमारे लिए असेट है, तो यहां पे हम लिखेंगे ए, दैट मींस के बैलेंस शीट असेट साइड। देन परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, तो ये रहेगा दोस्तों P&L अकाउंट में डेबिट साइड। बैड डेट, तो ये बैड डेट भी P&L अकाउंट डेबिट। देन मशीन्स, तो ये हमारे लिए असेट है इसलिए बैलेंस शीट असेट साइड। देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, देखो डेप्रिसिएशन दे दिया है तो ये P&L अकाउंट डेबिट साइड। और ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपको एग्जांपल में डेप्रिसिएशन दे दिया है ट्रायल बैलेंस में, और खास बात ये है कि बाद में एडजस्टमेंट में भी आने वाला है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। देन फर्नीचर ऑब्वियस है बैलेंस शीट असेट। सन्ड्री एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट। देन लीज होल्ड बिल्डिंग फॉर 4 years, 4 साल के लिए लीज होल्ड बिल्डिंग ली है, तो ऑब्वियस है लीज होल्ड बिल्डिंग हमारे लिए असेट है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब आपको ट्रायल बैलेंस की आइटम के बाजू में ब्रैकेट में कोई डेट, कोई परसेंटेज या कोई अमाउंट देते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है और यहाँ पे ये लीज होल्ड बिल्डिंग है, तो लीज होल्ड बिल्डिंग को राइट ऑफ करना होगा, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूं, आप लोग अंडरलाइन करोगे एडजस्टमेंट के लिए, ये हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए मैं ब्लू कलर की पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग सिंपली इसको अंडरलाइन करोगे कि यहां पे हिडन एडजस्टमेंट है, ताकि जब आप पोस्टिंग करो तो उसके नीचे एक लाइन ड्रॉप कर सको। उसके बाद दिया हुआ है गुडविल, तो गुडविल बैलेंस शीट असेट साइड पे रहेगा। ट्रेडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। रेंट एंड टैक्सेस, तो ये भी P&L अकाउंट डेबिट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है दोस्तों तो ये ट्रेडिंग डेबिट, अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो वो P&L क्रेडिट होता है। देन बैंक इंटरेस्ट, ये डेबिट साइड पे बैलेंस दिया हुआ है, मतलब हमने बैंक को इंटरेस्ट पे किया होगा, हमारा एक्सपेंस होगा इसलिए P&L डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम P&L डेबिट। सैलरी अगेन P&L अकाउंट डेबिट। वेजेस, तो वेजेस होता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, इस चीज को भी आप इंपॉर्टेंट टिक करना चाहो तो टिक कर सकते हो, देखो मैंने एडजस्टमेंट का टिक नहीं किया, इंपॉर्टेंट का प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्सपेंस प्रीपेड हो तो वो हमारे लिए असेट
कहलाती है। तो ये आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। यहां पे हमारे डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम का बाइफर्केशन हो गया। अब हम लोग क्रेडिट साइड की सारी आइटम का बाइफर्केशन शुरू करते हैं। तो देखो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल, राम और श्याम दोनों की। तो ये कैपिटल कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। देन क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी, इसलिए मैं शॉर्ट में एल लिख रहा हूं। आप एल लिखो या लायबिलिटी लिखो, आपको जो समझ में आता है वो आपके पैम्फलेट में नोट डाउन करो। परचेस रिटर्न, जो कि परचेस में से माइनस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस परचेस। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे एल। देन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैड डेट रिजर्व, तो ये बैड डेट रिजर्व जो है दोस्तों वो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड पे बैड डेट में से माइनस होता है, वो बैड डेट का टेबल है ना वो। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखो ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो उसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाती है। देन 8% गीतास लोन, गीता देखो कौन है यहां पे, एक थर्ड पार्टी है और उसकी लोन है, क्योंकि पार्टनर राम एंड श्याम है और गीता के पास से हमने 8% की लोन ली है, तो ये लोन हमारे लिए लायबिलिटी साइड रहेगा। पर देखो यहां पे ब्रैकेट में डेट और साथ में परसेंटेज भी दिए है, मतलब इसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट आ रहा है जो कि होगा इंटरेस्ट ऑन गीतास लोन। तो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग इसको अंडरलाइन करोगे कि यहां पे एडजस्टमेंट आ रहा है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे एल। तो दोस्तों यहां पे हमारी ट्रायल बैलेंस की सभी आइटम का बाइफर्केशन कंप्लीट हो गया। अब आप देखो पैम्पलेट में उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, तो मैं यहां पे हर एक एडजस्टमेंट का इंडिविजुअल वर्किंग करके दिखाऊंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी आपकी नोटबुक में सारे एडजस्टमेंट का वर्किंग लिखो और उसके बाद ही मेन सॉल्यूशन करो। देखो वर्किंग नोट एडजस्टमेंट का कंपलसरी नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड, बट फिर भी अगर आप वो करते हो तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे और एग्जाम्पल परफेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टैली हो जाए, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए नोटबुक में टाइटल दे दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1 एंड वर्किंग नोट्स फॉर एडजस्टमेंट, जिसमें एडजस्टमेंट नंबर 1। देखो यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीज 45,000 एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। अब एडजस्टमेंट याद करो जिसमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने एक नोट याद रखी थी कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो अगर कम होता है तो वो हमें कंसीडर करना होता है, मतलब वैल्यू में रिडक्शन करना पड़ेगा, बट अगर मोर होता है तो उसको हमें इग्नोर करना है। तो देखो यहां पे वैल्यू इज 10% मोर, तो याद करो इंक्रीज इन वैल्यू इज नॉट कंसीडर। ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखा कि जो भी वैल्यू में इंक्रीज होता है क्लोजिंग स्टॉक में उसको कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब यहां पे हम लोग 45,000 ही क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 45,000 और उसकी दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरी बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर? तो इसको भी समझ के आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो। अब सेकंड एडजस्टमेंट देखो दोस्तों, इसमें क्या कहा है, 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल एंड ऑन ड्रॉइंग 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल। यानी कि दो चीजें इसके अंदर, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये दोनों चीजों का मैं वर्किंग करके समझाता हूं। सबसे पहले टाइटल लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट क्या होगी दोस्तों? तो देखो ये पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे और दूसरी इफेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे राम और श्याम दोनों की अमाउंट के लिए। तो चलिए एक एक करके दोनों की अमाउंट ढूंढते हैं। देखो राम की कैपिटल यहां पे कितनी है, तो देखो सबसे पहला ही राइट साइड पे राम की कैपिटल है 80,000 और श्याम की कैपिटल है 70,000। तो राम के लिए 80,000 के 5%, तो कैलकुलेटर पे आप करोगे, सिंपल है, ओरली भी हो सकता है, बट फिर भी मैं यहां पे कैलकुलेटर पे दिखा रहा हूं 80,000 इंटू 5% तो कितनी वैल्यू होगी आपकी 4,000।
तो यहां पे राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 4000, और उसी तरह से श्याम जिसकी कैपिटल देखी हमने 70000, तो उसके 5%, तो सिंपल विदाउट कैलकुलेटर पता चल जाएगा 3500। तो ये अमाउंट से दुफ एक्ट हमें पास करनी है। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की दो इफेक्ट क्या होती है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए इनकम है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 10% है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों के ड्रॉइंग की अमाउंट कितनी है, तो देखो 18000 है और श्याम की है 16000, तो पहले 18000 के 5% करने होंगे, और उसके बाद यहां पे हमें सबसे पहले राम का ही कर देते हैं, राम 18000 इंटू 10% यानी कि 1800, ये वैल्यू से दो इफेक्ट हम पास करेंगे, और दूसरा है श्याम जिसकी ड्रॉइंग की अमाउंट है 16000 इंटू 10% यानी कि 1600, तो ये 1800 और 1600 रुपए से ये पोस्टिंग हम लोग करेंगे यहां पे। अब थर्ड नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आ रहा है दोस्तों, यहां पे क्या कहा है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर, यानी कि दो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का है, उसमें पहला है मशीन और दूसरा है फर्नीचर। अब यहां पे जो मशीन है इसका वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, दो मिनट फुल कॉन्सेंट्रेशन रखना। देखो यहां पे ट्रायल बैलेंस में मशीन की वैल्यू दी है 18250, पर साथ में डेप्रिसिएशन ऑन मशीन भी 1750 दे दिया है। अब यहां पे कहा है कि डेप्रिसिएशन 10% करो, मतलब कि यहां पे हमें जो मशीनरी है उसकी ओपनिंग वैल्यू पे ये 10% करना होता है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों वो असेट की ओपनिंग वैल्यू पे कंसीडर होता है, जबकि यहां पे डेप्रिसिएशन अलग से दिया है, इसका मतलब असेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। तो हम यहां पे 18250 पे 10% नहीं करेंगे, बल्कि एक स्टेप करना पड़ेगा, सबसे पहले मशीन जिसमें बुक वैल्यू दे दी है एग्जांपल में 18250 प्लस, ये सिर्फ वर्किंग नोट है, डेप्रिसिएशन की न्यू अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग नोट कर रहे हैं, इसकी इफेक्ट हमें पास करनी नहीं है फाइनल अकाउंट में, सिर्फ अमाउंट ढूंढने के लिए। डेप्रिसिएशन जो कि ट्रायल बैलेंस में दे दिया है वो कितना है 1750, मतलब 18250 प्लस 1750 मतलब 20000, ये मशीन की ओपनिंग वैल्यू होगी, ओपनिंग वैल्यू, और ये जो ओपनिंग वैल्यू होती है इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो इसके 10% डेप्रिसिएशन तो वो कितना होगा दोस्तों 2000, यानी कि 18000 ये बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में मशीन में जाएंगे। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे मशीन की जो बुक वैल्यू दी थी 18250, उसमें जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है जो कि हमने पी एंड एल अकाउंट में लिख दिया था, उसको एड कर दिया ताकि हमें ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीन मिले। अब ओपनिंग वैल्यू मिल गई 20000, उसके 10% करना है डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन होने वाला है 2000। अब इंपॉर्टेंट देखो, टोटल डेप्रिसिएशन हमने 2000 फाइंड कर दिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल डेप्रिसिएशन 2000 जो कि हमने यहां पे ये ढूंढ लिया है वो, पर इसमें से आप ट्रायल बैलेंस में देखो 1800 to 1750 ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये ऑलरेडी चार्ज चुका है, तो वो फिर से नहीं करना है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस ऑलरेडी चार्ज 1750, तो कितना बचा 250, ये हमारा क्या हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 250 ये एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आया, इससे हमें इफेक्ट पास करनी है, और इससे दो इफेक्ट क्या पास होगी ध्यान से, पहली पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे जहां पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लिखा है 1750 उसी में 250 ऐड कर देना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन
में 250 ऐड कर देंगे, मतलब 1750 थे, दूसरे 250 और ऐड करेंगे, मतलब 2000 जो कि हमारा एक्चुअली में टोटल डेप्रिसिएशन हो रहा है वो हो जाएगा। और दूसरी इफेक्ट, बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम मशीनरी, तो मशीन में से माइनस करने होंगे। क्लियर? इफेक्ट हमें ये 250 से ही पास करनी है। दूसरा जो कि बहुत सिंपल है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो देखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% है और फर्नीचर की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है, तो फर्नीचर की वैल्यू हमें दी है 8000। तो सिंपल यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जिसकी दो इफेक्ट होती है, एक P&L अकाउंट डेबिट साइड और दूसरी बैलेंस शीट असेट साइड माइनस फ्रॉम फर्नीचर। और अब हम इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो 8000 रुपए का फर्नीचर है और उसके 5%, तो सिंपल बिना कैलकुलेटर के ही पता चल सकता है 8000 के 5% 400 होंगे। फिर भी कोई भी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए सारी चीजें मैं यहां पे समझा रहा हूं। 8000 इंटू 5% तो कितनी अमाउंट हो गई, 400। तो यहां पे 400 रुपए से ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर की इफेक्ट हम लोग पास करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग इन चीजों को अंडरलाइन कर देते हैं, एडजस्टमेंट का मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा, आप लोग इसे अंडरलाइन करना। कौन कौन सी चीज आई, तो एक मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर, तो इतनी चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट आए हैं, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। अब यहां पे फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या कहा है वो देखो, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। देखो यहां पे एडजस्टमेंट में कोई बेड डेट नहीं आई, सीधा बेड डेट रिजर्व कहा है, तो एडजस्टमेंट होगा हमारा बेड डेट रिजर्व का, जिसकी दो इफेक्ट, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस इन बेड डेट हो जाएगा और दूसरी बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम डेटर्स हो जाएंगे। तो अब यहां पे 5% कहां है, तो सबसे पहले हमें डेटर्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो यहां पे देखो डेटर्स हमें कितने दिए हुए हैं, 45000 के, तो 45000 के 5%, तो देखो मैं यहां पे आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, 45000 इंटू 5%, तो बिना कैलकुलेटर के ही हो सकता है 2250, बट फिर भी देख लो 45000 इंटू 5%, तो 2250। तो ये 2250 वैल्यू से आप लोग इस एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट पास करोगे। तो यहां पे इफेक्ट हो रही है डेटर्स को और बेड डेट को, तो चलिए इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, यहां पे डेटर्स और बेड डेट आप लोग यहां पे अंडरलाइन करोगे, मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं ये डेटर्स और ये हो गया हमारा बेड डेट। तो जितने भी एडजस्टमेंट आ रहे थे उसको हमने टिक मार्क कर दिया। देन फिफ्थ एडजस्टमेंट दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात की है, जिसमें सैलरी 500 है, सन्ड्री एक्सपेंस 150 है एंड रेंट 150 है। तो तीन अलग अलग पार्ट है, तो तीनों चीजें लिखते हैं। देखो पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरी और इसकी वैल्यू बताई है 500 रुपए, तो इसकी दो इफेक्ट, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे सैलरी में प्लस करना होगा और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर दूसरा है सन्ड्री एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पे उसके नीचे ही आप लोग लिखोगे सन्ड्री एक्सपेंस और वैल्यू है 150, इफेक्ट सेम रहेगी, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे ही बट प्लस हो जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस में। अगर सन्ड्री एक्सपेंस ना दिया हो तो सेपरेटली लिख देंगे, अगर इसमें से कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस P&L अकाउंट में ना दिया हो, मतलब ट्रायल बैलेंस में ना आया हो, तो हम लोग सेपरेटली P&L अकाउंट में लिख देंगे। और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। और तीसरा वाला पार्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट और उसकी भी वैल्यू है 150 रुपीज, तो इसकी भी दो इफेक्ट, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस इन रेंट और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ये जो भी एडजस्टमेंट आए यानी कि सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस एंड रेंट, उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो देखो यहां पे सन्ड्री एक्सपेंस ये रहा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग अंडरलाइन करोगे, आप लोग ध्यान से देखना, मैंने एडिशनल एडजस्टमेंट को येलो हाईलाइट किया है जबकि हिडन एडजस्टमेंट को ब्लू हाईलाइट किया है।
आपको ऐसे कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। देखो ये रहा सैलरी और ये रहा रेंट एंड टैक्स, तो ये तीनों चीजें हमारी अंडरलाइन हो गई, मैंने हाईलाइट किया, आप लोग अंडरलाइन करोगे। अब यहां पे दोस्तों हमारे मेन सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हिडन एडजस्टमेंट। तो देखो हिडन एडजस्टमेंट में एक तो है ये लीज होल्ड बिल्डिंग 4 साल के लिए जिसकी वैल्यू दी है 7,000 रुपए, तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। तो आपकी नोटबुक में ये 5 एडजस्टमेंट का वर्किंग आपने लिखा, उसके नीचे लिखोगे हिडन एडजस्टमेंट और उसमें सबसे पहला राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। अब ये राइट ऑफ करना है मतलब इसकी दो इफेक्ट जो होगी वो तो डेप्रिसिएशन जैसी ही होगी, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे माइनस फ्रॉम लीज होल्ड बिल्डिंग। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, यहां पे वैल्यू। तो देखो 7,000 रुपए की वैल्यू है और 4 साल के लिए लीज पे लिया है, तो अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ असेट जो कि है 7,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। तो आप कैलकुलेटर पे 7,000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 7,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1750, ये हमारी एन्युअल रिटर्न ऑफ की वैल्यू आएगी जिससे हम दो इफेक्ट पास करने वाले हैं, क्लियर। और इसके बाद लास्ट है 8% गीतास लोन। अब गीता जो है वो पार्टनर तो है नहीं, थर्ड पार्टी है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है उसकी लोन का, तो इसकी दो इफेक्ट क्या आएगी, सिंपल, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे और दूसरा आउटस्टैंडिंग है इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इवन यहां पे अगर पार्टनर की लोन होती तो भी उसके ऊपर के इंटरेस्ट की इफेक्ट यही रहेगी, P&L डेबिट और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। अब इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों उसकी वैल्यू। तो देखो गीता की जो लोन है ये लोन की वैल्यू क्या है, तो देखो यहां पे गीता की लोन की वैल्यू है 15,000 रुपए, ये रही, और 15,000 की लोन 8% इंटरेस्ट है और 1 अक्टूबर से ली है, तो यहां पे देखो 15,000 इंटू 8% इंटू 6/12। अब क्वेश्चन ये कि सर ये 6 कहां से लाए, तो देखो 1 अक्टूबर को लोन ली है, तो 1 अक्टूबर 2016 से लेके फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017, तो यहां पे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का ड्यूरेशन काउंट करो, अक्टूबर 1 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर मंथ पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो कितने हुए, 6 महीने हुए, इसलिए यहां पे लिखा 6/12। और अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर पे देखो 15,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो वैल्यू कितनी हो गई, 600 रुपए। तो यहां पे 600 रुपए से ये एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट पास करेंगे। तो दोस्तों यहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस का बाइफरकेशन और सारे एडजस्टमेंट्स के वर्किंग नोट्स खत्म हुए। अब हमारा मेन स्टेप शुरू हो रहा है और वो है एग्जांपल का सॉल्यूशन, जिसके लिए आपको अलग अलग पेज पे अलग अलग टेबल्स ड्रॉ करने हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक में एक पूरे पेज पे मतलब एक नया पेज ले लोगे और सबसे पहले वाले पेज पे टाइटल दोगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 5 चीजें हमें बनानी है। तो पहले वाले पेज पे टाइटल दोगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ राम एंड श्याम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017, ये टाइटल दे दोगे। उसके बाद आपकी ये जो नोटबुक है जिसके अंदर आप सॉल्यूशन कर रहे हो, जिसमें आपने टाइटल दे दिया है, उसमें फॉर एग्जांपल आपका ये पेज है जहां पे आप ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हो, तो इस पेज को आप सेंटर से इस तरह से फोल्ड करोगे, सेंटर से मार्जिन के साथ इसको आप फोल्ड करोगे तो आपको एक सेंटर में क्रीज लाइन दिखेगी। ये जो क्रीज लाइन आपको दिख रही है यहां से आप लोग दो पार्ट करोगे, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। अब देखो यहां पे आपने क्रीज बनाई होगी तो ये आपकी हो गई होगी सेंटर लाइन, जहां पे आप एक स्ट्रेट लाइन पहले बना दोगे इस तरह से, और उसके लेफ्ट साइड पे पहले लिखोगे डेबिट और राइट साइड पे लिखना है क्रेडिट। फिर लेफ्ट साइड पे सबसे पहले बनेगा पर्टिकुलर जो कि बड़ा कॉलम होगा, और उसके बाद सेकंड नंबर रहेगा अमाउंट। राइट साइड पे अगेन सेम पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीस, और ये ट्रेडिंग अकाउंट का बना। इसी तरह से दूसरे पेज पे आप लोग बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
of Ram and Syam for year ending on 31st March 2017. Left side debit, right side credit, left side पे particular amount rupees, right side पे particular amount rupees. इस तरह से same table draw करोगे. उसके बाद profit and loss appropriation account. अब दोस्तों P&L appropriation और capital account ये इतने बड़े नहीं होते हैं. तो आप लोग इसको एक ही पेज में बना सकते हो. देखो मैं यहां पे सेपरेट पेज में बनाने वाला हूं, पर आप लोग इसको एक ही पेज में बनाओगे. ऊपर लिख दोगे P&L appropriation account of Ram and Syam for year ending on 31st March 2017 और लेफ्ट साइड पे डेबिट, राइट साइड पे क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस. और आधे पेज की जगह ड्रॉप करने के बाद उसके नीचे ही आप लोग लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और इसमें भी पेज को फोल्ड करके लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट. पर यहां पे डिफरेंस ये होगा दोस्तों कि पर्टिकुलर और फिर अमाउंट के लिए जितने पार्टनर्स होते हैं उतने कॉलम बनते हैं. अब यहां पे दो पार्टनर है राम एंड श्याम, तो देखो अमाउंट के लिए पहला राम और दूसरा श्याम, उसके बाद राइट साइड पे पर्टिकुलर, फिर राम एंड श्याम. इस तरह से टेबल ड्रॉ करोगे और आखिरी पेज पे पेज को फोल्ड करके बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम एज ऑन या तो एज एट 31st मार्च 2017. यहां पे लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट ऐसा नहीं लिखा जाता है. यहां पे पेज को फोल्ड करके लेफ्ट साइड पे लिखोगे कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट रुपीस और राइट साइड पे भी असेट एंड अमाउंट रुपीस. तो इस तरह से आप लोग टेबल ड्रॉ करोगे. तो यहां पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक में सबसे पहले इस तरह से ये सारे के सारे टेबल ड्रॉ कर दीजिए. तो चलिए अब अगर आपने सारे टेबल ड्रॉ कर दिए हैं तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में से एक एक चीज को पढ़ के फाइनल अकाउंट पे पोस्ट करेंगे. देखो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले दिया है कैपिटल, जो कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है. तो यहां पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे टू ड्रॉइंग. और राम की अमाउंट है 18,000 और श्याम की अमाउंट है 16,000, तो श्याम के कॉलम में 16,000. उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स, जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे रहेंगे. तो यहां पे बैलेंस शीट में असेट साइड पे आप लोग लिखोगे डेटर्स और उसकी वैल्यू है 45,000 और एडजस्टमेंट है हमने टिक मार्क किया है तो अमाउंट रखेंगे इनर कॉलम में. उसके बाद है स्टॉक और ये 1st अप्रैल का है, ओपनिंग स्टॉक है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है दोस्तों 25,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे. उसके बाद है सेल्स रिटर्न, जो कि सेल्स में से माइनस होता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पहले लिखेंगे सेल्स और उसके नीचे लिखेंगे रिटर्न, यानी कि सेल्स रिटर्न. और ये सेल्स रिटर्न की वैल्यू 1000 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस करना होता है. उसके बाद है कैश बैलेंस, जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाता है. तो डेटर्स के नीचे एक एडजस्टमेंट है, इसलिए एक लाइन ड्रॉप करने के बाद कैश बैलेंस जिसकी वैल्यू है 10,000, तो वो आउटर कॉलम में. उसके बाद परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रहेगा. तो यहां पे परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जिसकी वैल्यू है 60,000 और परचेस रिटर्न है, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में रखेंगे. उसके बाद डिस्काउंट अलाउड P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो डिस्काउंट अलाउड P&L अकाउंट डेबिट साइड और इसकी वैल्यू है 500 रुपए. उसके बाद बैड डेट, तो वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे ही रहेगा पर उसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए हम लोग अमाउंट को इनर कॉलम में रखेंगे, बैड डेट 400 रुपीज. बैड डेट के बाद यहां पे दिया हुआ है मशीन, तो मशीन बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखेंगे. तो यहां पे लिखेंगे मशीन और उसकी वैल्यू ट्रायल बैलेंस में जो दी है वही लिखेंगे 18,250. उसके बाद यहां पे दिया है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, जो कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, पर यहां पे बैड डेट में एडजस्टमेंट बैड डेट रिजर्व वाला और ट्रायल बैलेंस वाला आएगा, तो दो लाइन कम से कम ड्रॉप करनी पड़ेगी. आप चाहो तो तीन लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इस अमाउंट को हम लोग रखेंगे इनर कॉलम में. उसके बाद है फर्नीचर, जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखा जाता है. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर और फर्नीचर की वैल्यू है 8,000 रुपीज, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000.
उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस, P&L में डेबिट साइड पे सन्ड्री एक्सपेंस, और इसमें भी एडजस्टमेंट है तो ये अमाउंट भी इनर कॉलम में रखेंगे। उसके बाद लीज होल्ड बिल्डिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे, और इसकी वैल्यू है 7,000 रुपीज, एडजस्टमेंट है तो ऑब्वियस है कि अमाउंट इनर कॉलम में। उसके बाद है गुडविल, जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसकी अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे 40,000। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस, तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंस P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना है तो यहां पे लिखेंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस, और ट्रेडिंग एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू 1,250 सीधा आउटर कॉलम में। देन रेंट एंड टैक्सेस, जिसमें एडजस्टमेंट है तो उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे इनर कॉलम में, रेंट एंड टैक्स 5,000। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, जिसकी वैल्यू है 400 रुपए। देन बैंक इंटरेस्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, बैंक इंटरेस्ट, और उसकी अमाउंट है 500 रुपीज आउटर कॉलम में। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, जिस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसकी जो अमाउंट है 800 रुपए वो सीधा लिखेंगे आउटर कॉलम में। देन सैलरी, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला, तो ये सैलरी को हम लोग रखेंगे इनर कॉलम में 15,000। देन वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में ही डेबिट साइड पे आएगा तो यहां पे लिखेंगे वेजेस 14,000। और लास्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएगा तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्री पेड इंश्योरेंस, जिसकी वैल्यू है 200 रुपीज। यहां पे दोस्तों हमारा डेबिट साइड वाला बाइफरकेशन रिकॉर्ड हो गया। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट बैलेंस दी है उसका पोस्टिंग करते हैं, जिसमें देखो सबसे पहले दिया है कैपिटल राम और श्याम का, तो यहां पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरिड डाउन, बी डी लिखो या सी डी लिखो, ब्रॉट डाउन या कैरिड डाउन चलेगा। जिसमें राम की कैपिटल है 80,000 और श्याम की कैपिटल है 70,000। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रहता है दोस्तों, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट सीधी आउटर कॉलम में। उसके बाद परचेस रिटर्न, जो कि परचेस में से माइनस होता है तो परचेस में से माइनस परचेस रिटर्न, जिसकी वैल्यू है 1,500 रुपये, तो यहां पे ये 60,000 में से ये 1,500 माइनस करके जो बाकी बचेगी अमाउंट उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो देखो कैलकुलेटर पे 60,000 माइनस 1,500 यानी कि 58,500, इसको हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में। उसके बाद दिया है दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसकी वैल्यू है 8,000 रुपीज। और उसके बाद है सेल्स, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रहेगा, जिसकी वैल्यू है 78,150, और उसमें से ये सेल्स रिटर्न 1,000 माइनस करने हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधी आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट 77,150 लिख देंगे। उसके बाद है बेड डेट रिजर्व, ये बेड डेट रिजर्व ये बेड डेट वाले टेबल में से माइनस होता है तो यहां पे माइनस बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, और इसकी वैल्यू यहां पे दी है दोस्तों 700 रुपये, तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस करने होते हैं। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रहता है तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसकी वैल्यू है 1,000 रुपीज। उसके बाद है 8% लोन ऑफ गीता, वो भी लायबिलिटी साइड पे रहेगी, 8% लोन ऑफ गीता, जिसकी वैल्यू है 15,000।
और बिल्स पेबल ये भी आएंगे दोस्तों लायबिलिटी साइड पे, तो बिल्स पेबल 200 रुपीज। तो यहां पे दोस्तों हमने ट्रायल बैलेंस की सभी चीजों का बाइफरकेशन रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं उसकी पोस्टिंग शुरू करेंगे। तो देखो दोस्तों यहां पे हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा है, तो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 45,000, जिसकी एक इफेक्ट ट्रेडिंग में क्रेडिट और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो दोनों रिकॉर्ड कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 45,000 और उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो यहां पे बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। देखो मैंने यहां पे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पेन दूसरे कलर की यूज की है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आपको तो रेगुलर अपना ब्लू पेन से ही सब कुछ लिखना है। उसके बाद देखो सेकंड एडजस्टमेंट जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू हमने ढूंढ ली है दोनों पार्टनर की 4,000 एंड 3,500, एक P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे, तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें राम की अमाउंट है 4,000 और श्याम की अमाउंट है 3,500, तो इसका टोटल आउटर कॉलम में 7,500 और इसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप हर एक बार बाय नहीं लिखते हो तो चलेगा, 4,000 एंड 3,500। उसी तरह से देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,800 और 1,600 रुपए हमने वर्किंग नोट में ढूंढ ली है जिसकी इफेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जिसमें राम की अमाउंट है 1,800 रुपये और श्याम की अमाउंट है 1,600 रुपये। तो इसका टोटल देख लो 1,800 प्लस 1,600 यानी कि टोटल 3,400 वो यहां पे आउटर कॉलम में जाएंगे और इसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,800 एंड 1,600। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था डेप्रिसिएशन वाला, जिसमें मशीनरी के ऊपर हमें 250 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था और फर्नीचर के ऊपर 400 रुपए का, जिसकी दो इफेक्ट भी हमने लिख दी है ये 250 की P&L में डेबिट साइड पे। जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दिया हुआ है उसमें 250 प्लस करने हैं, तो देखो यहाँ पे P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीन था उसमें प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन 250, तो इसकी आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगी 2,000 और ये 250 बैलेंस शीट में असेट साइड पर से माइनस होगा, माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन, और ये 250 को माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 18,000। और उस तरह से फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 400 रुपए जो कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400 रुपए और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट में से यानी कि फर्नीचर में से माइनस 400 रुपए। तो बिना कैलकुलेटर के ही हो सकता है 8,000 माइनस 400 यानी कि 7,600। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट है वो है बेड डेट रिजर्व का, जो कि 2,250 हमने वैल्यू ढूंढ ली है P&L डेबिट साइड पे बेड डेट में प्लस और असेट साइड डेटर्स में से माइनस। तो यहां पे हम लोग प्लस करेंगे प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 2,250। तो अब कैलकुलेटर पे बेड डेट का जो टेबल बनाया है उसकी वैल्यू आउटर कॉलम में ले लेते हैं। देखो बेड डेट ट्रायल बैलेंस की 400 प्लस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट की 2,250 माइनस बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस 700, तो बैलेंस कितना बचा 1,950 जो कि यहां पे हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। और ये 2,250 बेड डेट रिजर्व हमने ढूंढी उसकी दूसरी इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगी, माइनस बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 2,250। तो इसकी भी अमाउंट आउटर कॉलम में ले लेते हैं
45,000 माइनस 2250 तो 42,750 तो ये हमारा एडजस्टमेंट भी हो गया। इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सैलरी 500, सन्ड्री एक्सपेंस 150 एंड रेंट 150। तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे सारे के सारे प्लस होंगे, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 थी उसके अंदर हमें 500 रुपए और प्लस करने हैं, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो यहाँ पे आउटर कॉलम अमाउंट होगी 15,500। उस तरह से सन्ड्री एक्सपेंस वो 150 आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 150, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगी 1650, और रेंट भी 150 ही है, तो यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग 150, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगी 5150। और ये तीनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रहेगी, यानी कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे 500, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 150 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट वो भी 150। तो यहां पे हमारे जो पांच मेन एडजस्टमेंट है वो खत्म हुए। उसके बाद हमारा पहला हिडन एडजस्टमेंट जो कि ये राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, जिसकी रिटर्न ऑफ अबाउट 1750 हमने ढूंढ ली, तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 1750, और इसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड में माइनस होगी, माइनस राइट ऑफ 1750, और इसका बैलेंस आउटर कॉलम में लेके आएंगे, यानी कि यहां पे जो बैलेंस दिया हुआ है 7000 उसमें से माइनस करेंगे 1750, तो बैलेंस बचेगा 5250, वो यहां पे लिखना है। और दूसरा हिडन एडजस्टमेंट है वो 8% गीतास लोन, जिसकी वैल्यू हमने 600 रुपए ढूंढ ली है, तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन गीतास लोन 600, और इसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इंटरेस्ट ऑन गीतास लोन 600। यहां पे दोस्तों हमारा ट्रायल बैलेंस का वर्किंग सब खत्म हुआ, एडजस्टमेंट्स का भी सारा वर्किंग रिकॉर्ड करना खत्म हो गया, तो अब हमारा फाइनल स्टेप बचा है वो क्या करना है, सभी अकाउंट का बारी बारी से टोटलिंग और बैलेंसिंग करके नेक्स्ट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करना है और लास्ट में बैलेंस शीट को टैली करना है। तो चलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से टोटलिंग और बैलेंसिंग का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट, तो देखो क्रेडिट साइड पे 77,150 प्लस 45,000, मतलब टोटल कितना हुआ 1,22,150, तो उसको हम यहां पे लिख देंगे 1,22,150। जब भी टोटल लिखते हैं तो ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन करनी है, और यही टोटल हमें ऑपोजिट यानी कि डेबिट साइड पे भी लिख देना है 1,22,150, और इसमें से डेबिट साइड की सारी अमाउंट हम एक एक करके माइनस करते हैं, मतलब -25,000, -58,500, -400, -14,000, तो देखो आपको क्या बैलेंस मिला 24,250। तो ये 24,250 ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट, जिसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों उसको कहां कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लोग यहां पे लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट 24,250। अब देखो दोस्तों यहां पे पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एक ही चीज है, जबकि डेबिट साइड पे बहुत ज्यादा चीजें और बड़ी बड़ी अमाउंट भी दिख रही है, जैसे 15,500 है, 5,150, मतलब ऐसा लगता है कि शायद डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, देखो क्रेडिट साइड पे तो एक ही चीज है, तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कर देते हैं, अगर वो ज्यादा निकला तो डेबिट साइड वाला टोटल दोनों जगह पे लिख देंगे, और अगर वो कम निकला तो क्रेडिट साइड का तो है ही 24,250 वो रख देंगे। तो चलिए कैलकुलेटर पे पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग करते हैं।
देखो सबसे पहले है 500 रुपीज प्लस 1950 प्लस 2000 प्लस 1650 प्लस 1250 प्लस 5150 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 15500 प्लस 400 प्लस 1750 प्लस 600, तो टोटल कितना हो गया 32050। देखो दोस्तों डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, तो ये टोटल ही हम दोनों जगह पे रखेंगे, यहां पे लिखेंगे 32050 और टोटल में नीचे डबल लाइन करेंगे, और ये सेम टोटल हम लोग क्रेडिट साइड पर भी लिख देंगे 32050, और इस टोटल में से क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे, माइनस 24250, तो 7800। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा लॉस, तो यहां पे हम लोग कहेंगे इसे नेट लॉस, और ये नेट लॉस जो है दोस्तों वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू नेट लॉस 7800। और फिर हमें क्या करना है, तो देखो यहां पर तो डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा हो रहा है, तो डेबिट साइड पे हम लोग ये 7800 प्लस 7500 मतलब कि टोटल हो रहा है 15300, तो यहां पे लिख देंगे 15300, और उसमें से क्रेडिट साइड वाली एक ही अमाउंट 3400 को हम लोग माइनस करेंगे, तो 11900 ये हमें बैलेंस मिला, जिसको हम लोग कहेंगे डिविजिबल लॉस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, और ये जो डिविजिबल लॉस है दोस्तों वो राम और श्याम के बीच में उनका पी एंड एल रेशियो देखो 6:4 था, क्योंकि हमने कहा 3:2 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको 3:2 में या तो फिर 6:4 में राम और श्याम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पे पहले लिखेंगे राम और फिर आएगा श्याम, तो देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा 11900 इंटू 3 जो कि राम का पार्ट है डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 3:5 तो 3 + 2 3:2 यानी कि 3 + 2 5 टोटल शेयर होगा, तो यहां पे कैलकुलेटर पे 11900 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 तो 7140, ये हो गया राम का पार्ट और श्याम का 11900 इंटू उसका पार्ट है 2 तो 2/5 तो 4760, तो ये हो गया दोनों का डिविजिबल लॉस, जो कि कहां कैरी फॉरवर्ड होगा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे हमें लिखेंगे 2 डिविजिबल लॉस, और राम का लॉस है 7140, तो यहां पे लिखना है 7140 और श्याम का आया 4760। अब हमें कैपिटल अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग करना है, और हमें पता होता है कि कैपिटल अकाउंट में तो हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा होता है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल राम का करेंगे, उसका बैलेंस ढूंढेंगे और फिर श्याम का करेंगे, तो चलिए कैलकुलेटर पे सबसे पहले राम का क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, सबसे पहले है 80,000 प्लस 4,000 जरूरत ही नहीं है 84,000, और इस तरह से यहां पे 73,500, दोनों में टोटल के लिए कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा रख सकते हो, और ये टोटल यहां पे डेबिट साइड पर भी रख देंगे, और फिर बारी बारी से दोनों का बैलेंस ढूंढते हैं, यानी कि राम का 84,000 माइनस डेबिट साइड वाली अमाउंट यानी कि माइनस 18,000 माइनस 1800 माइनस 7140 तो 57,060, और उसी तरह से श्याम का देखो तो टोटल है 73,500 माइनस 16,000 माइनस 1600 माइनस 4760 तो 51,140, तो ये जो बैलेंस आया इसको हम लोग कहेंगे टू बैलेंस कैरी
फॉरवर्ड, और ये कहां पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, लायबिलिटी साइड पे। तो कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी साइड पे यहां पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल राम का 57,060 और श्याम का 51,140। तो इसका टोटल ये हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे, तो 51,140 श्याम का प्लस राम का 57,060, तो टोटल हो जाता है 1,08,200। तो उसको हम यहां पे लिखेंगे 1,08,200, और बाकी की और जो चीजें लायबिलिटी साइड पे लिखी है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे, यानी कि प्लस 35,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 600। तो देखो 1,68,800 ये हमारा टोटल होगा, तो यहां पे लिखेंगे 1,68,800। और अब इसी तरह से दोस्तों हम लोग असेट साइड का टोटल करते हैं, तो देखो असेट साइड पे 42,750 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 7,600 प्लस 5,250 प्लस 40,000 प्लस 200 प्लस 45,000। तो देखो 1,68,800 सेम एग्जैक्टली लायबिलिटी जैसा, बल्ले बल्ले जलसा करो, एग्जाम्पल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टैली हो गया। तो यहां पे सिंपली हमें लिख देना है 1,68,800। और अगर आप सारी चीजें इस तरह से कंप्लीट लिखते हो, टाइटल, फॉर्मेटिंग, इंफॉर्मेशन, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई एक मार्क भी कट नहीं कर सकता, बस कॉन्फिडेंटली अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर एग्जांपल। जो भी चीज आपकी बाकी है उसको आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और इसी तरह से और एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए अपने सारे दोस्तों को सजेस्ट करो कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करे और अपने रिस्पेक्टिव कोर्स को परचेस करे, जहां पे आप बहुत ही कम फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स अवेल कर सकते हो। मतलब कि सबसे पहले तो एक्सीलेंट स्टडी पैम्पलेट्स विच आर डिजाइन बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सीलेंट हाईटेक एंड कॉन्सेप्चुअल स्टडी सेशंस, जैसा ये आपने वीडियो देखा पूरे एग्जाम्पल का, ऐसे सारे थ्योरेटिकल टॉपिक, सारे एग्जाम्पल्स, सारी की सारी चीजें समझने के लिए आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा पास्ट बोर्ड के पेपर्स आपको विद सॉल्यूशंस मिलेंगे, अनलिमिटेड एमसीक्यू के सेल्फ टेस्ट मिलेंगे, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप अवेल कर सकते हो और अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों जबरदस्त लेवल पे बढ़ा सकते हो। सो आई होप कि आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। Always believe that you are intelligent. Just work smart and achieve more result with SAS Institute of Commerce. God bless you all.